देखिए, विधानसभा चुनाव, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के चुनाव के साथ ही साथ समझ लीजिए कि होने की स्थिति थी, तो हम लोगों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पूरी तरह से काम करने का काम भी किया है। और अभी जैसे सभी की मीटिंग्स भी चल रही हैं और यही सोच रहे हैं कि हमारा जो क्या मैनिफेस्टो रहेगा, क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे, क्योंकि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कहीं भी विकास नाम की कोई चीज़ या विकास कोई मुद्दा था ही नहीं, बेरोजगारी कोई मुद्दा था ही नहीं, किसानों की के साथ जो हालत हुई है किसानों की कोई मुद्दा नहीं था, महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध में तो खुद ही इनके मंत्रियों ने कहा कि हरियाणा की बहुत बद से बद स्थिति है। ये जो पूरा का पूरा चुनाव है धर्म जाति के नाम पर, कास्ट वॉर के नाम पर, और एक ऐसी सरकार को लोगों ने वोट दिया जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं डायरेक्ट हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी बजाय ऐसा लगा चुनाव जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हो, डायरेक्ट ही देश के प्रधानमंत्री अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। और लोगों ने जो है, मैं समझती हूँ, धर्म और जाति के नाम पर जो है जहर घोल कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये चुनाव लड़ा है। जो विधानसभा का चुनाव होगा वो स्थानीय मुद्दों पर होगा। कांग्रेस पार्टी के समय में जो विकास के कार्य हुए, कांग्रेस पार्टी के समय में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा ने बहुत ज़्यादा तरक्की को छुआ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र था, चाहे खेल का क्षेत्र था, या और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी। तो स्थानीय मुद्दे बहुत से रहेंगे जो हावी रहेंगे, और विधानसभा का चुनाव हम लोग बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेंगे। देखिए, जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे इस तरह की दिक्कतों का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ा था। इस समय हमारे पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नहीं थी, जिला कांग्रेस कमेटी नहीं थी, तब आपकी इसी सरकार का इसका कोई कोई संगठन नहीं था। और आज भी जब चुनाव में हम लोग निकले हमें ये जरूर महसूस हुआ कि हो सकता है प्रदेश स्तर पर कोई संगठन हो, लेकिन संगठन की कमी चुनाव के दौरान हमें हर जगह पर खली। हमारे मजबूत कार्यकर्ताओं ने एक मजबूत सिपाही की तरह बूथों पर खड़े होकर जो है ये चुनाव लड़ा, और हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जिन्होंने बहुत मजबूत एक टक्कर दी। इस समय मोदी नाम की लहर जो है पूरे देश भर में चल रही थी, देश भर में ना केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे थे जिनके साथ में इस तरह की हालत हुई है। लेकिन हम लोग सब साथ ही ये प्रयास करेंगे कि मिलजुल कर, एक तो सबसे पहले संगठन हमारा मजबूत होना अति आवश्यक है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आज की डेट में यह है कि हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो ये जिस तरह के नतीजे पूरे देश भर में आए उसके बाद जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है। पहले तो हम सब कांग्रेस जन चाहेंगे कि वो अपना इस्तीफा वापस ले और मजबूती के साथ हम लोग सब जो है फिर से मैदान में निकले। और संगठन होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी 130-135 साल पुरानी का पार्टी है और उसका बहुत मजबूत एक संगठन हमेशा रहा है, और इस संगठन की कमी जो है इस बार इन चुनावों में बहुत ज्यादा हमें खली, और हम समझते हैं विधानसभा से पहले इसका समाधान अति आवश्यक है, होना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने जो है बहुत ही बूथ लेवल पर हमारे बहुत ही सशक्त हमारे वर्कर हैं जिन्होंने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, क्योंकि केंद्र सरकार में भी बीजेपी की सरकार थी, राज्य में बीजेपी की सरकार है। ईवीएम्स को लेके बड़ा बवाल रहा हमारे लोकसभा क्षेत्र में, पोस्टल बैलेट पेपर जो कि रात 3-3:30 बजे तक आप गिन रहे हैं, और आपने इम्प्लॉयज़ को जो है ईडीसी सर्टिफिकेट, एक जिनकी इलेक्शन ड्यूटी थी उनको सर्टिफिकेट जारी नहीं किया, इम्प्लॉयज़ हमारे जो है वो वोट नहीं दे पाए, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। लेकिन अब क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, ये थोड़ा छोटे लेवल का चुनाव है, इसमें हम लोग पूरे मजबूती के साथ बूथ स्तर से लेकर और ऊपर तक या तो कोई कमियां रही हैं या स्थानीय मुद्दे, इस बार जो है एक दिखावा देशभक्ति के नाम पर ऐसी एक बात की गई, तो क्या जो कांग्रेस जन या बिना बीजेपी का व्यक्ति है क्या वो देशद्रोही है? क्या किसी को कोई अधिकार नहीं है अपने देश के बारे में जानने का? जिसने भी प्रश्न किया उसको देशद्रोही करने का इन्होंने काम किया। तो अब जो है स्थानीय मुद्दे जहाँ रहेंगे, किसानों का जो फसलों का मामला रहेगा, दलितों और महिलाओं की स्थिति है जो उस पर बात रहेगा, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, न केवल वुमेन क्राइम जो है पूरे प्रदेश में, आज जो है यहाँ के जो पूर्व मंत्री रहे हैं एमपी हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि प्रदेश में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, शिक्षा की क्या बुरी हालत है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल यहाँ पर बंद हो गए हैं, कॉलेजेस में यहाँ पर स्टाफ नहीं है, बहुत सारे लोकल ऐसे मुद्दे हैं, पीने के पानी की समस्या से जो है पूरा का पूरा प्रदेश इस समय जूझ रहा है, बिजली की इतनी बुरी हालत है, तो मतलब बिजली की तारें तक इनसे नहीं बदलवाई जा रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज की डेट में जो कर्मचारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, मजदूर है, युवा है, अब आप पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, आप एक पीएचडी या पोस्ट ग्रेजुएट को आपने ग्रुप डी की नौकरी देकर उसके साथ बहुत बड़ा एक अन्याय करने का काम किया है। एचसीएस का पेपर अभी पीछे हुआ था, उसमें भी बहुत से प्रश्न गलत थे, तो उसके उस पर भी मांग उठ रही है। जो प्रोफेसर वाला था उसमें बहुत से पेपर जो है उनके कैंसिल हुए हैं, तहसीलदारों का पेपर हुआ वो लीक हुआ है। तो सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने की बजाय बिल्कुल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम कर रही है,
और आपने देखा होगा चैन की रैलियों या जल, ठीक है वोट पड़ा है, आज 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई हैं, लेकिन आपने देखा होगा लोग जो है बहुत ज्यादा चाव या जोश से बीजेपी के पक्ष में नहीं आ रहे हैं और वो आज हरियाणा में एक बदलाव चाहते हैं।